तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सर लोग? होपफुली सर लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए एनिमे की, जिसका नाम है अनदर जर्नी टू द वेस्ट के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो यार देखते हैं कैसे ये टर्न आउट होगा। तुम लोग बताना यार कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर तुम लोग पसंद आएगा तो हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है एक पेड़ होता है, पेड़ की तरफ कुछ जलती हुई चीजें जा रही होती है। वहां पे कुछ सैक जैसा होता है जिसमें बच्चों की परछाई दिख रही होती है। फिर एक अटैकर देखने को मिलता है जो की मूर्तियों को तोड़ रहा होता है। मे बी शायद यहाँ पे भगवान होंगे वो। फिर वो जो चीज होती है वो जलनशील हो जाती है और पावरफुल दिखती है, और वो डिस्ट्रक्शन कर रही होती है। पेड़ भी जो होता है वो भी ग्रोथ कर रहा होता है, और ये बोल रहा होता है यू आर स्टिल अलाइव, क्या तुम अभी जिंदा हो? 800 साल तो निकल गए हैं, फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ, तुझे अब नर्क जाना होगा। और पेड़ और उसके बीच में एक युद्ध जो होता है वो होने लगता है, और ये बोल रहा होता है मैं हूँ ग्रेट सेज कॉलिंग हेवन। और जैसे ही वो अटैक करता है देखने को ही मिलता है यहाँ पे दरवाजा जो होता है वो काट दिया जाता है, और वो एक लड़का जो होता है वो घर जाता है, घर के अंदर जाता है। ये होता है जू फैमिली का हॉन्टेड हाउस, और इस घर में 6 लोग 3 महीने के अंदर मारे चुके हैं। जो सबसे लेट मारा था वो एक बच्चा था। ये आया होता है चेक करने सारी चीजों को कि यहाँ फिर वो क्या रहा है। अभी चेक ही कर रहा होता है, इसको प्रेजेंस फील होती है किसी चीज की, और वो उसका पीछा भी करता है, उसको दौड़ाता भी है। देखने को मिलता है एंड में वो होती है एक बिल्ली। फिर ये बाहर जाता है, बाहर देखने को मिलता है एक आदमी बैठा होता है और कह रहा होता है क्या डीमन तेरे को मिला जो की किडनैप कर रहा है बच्चों को। और ये अपना रिपोर्ट जो होता है वो लिखता है, और ये बोलता है कि भाई डीमन उमन कुछ नहीं होते, और ये इसका मजाक बना रहा होता है इसके लिए। उतने में एक रोशनी जैसी होती है, वहाँ एक लड़का आ जाता है, वो कहता है कि एक बच्चा और मिसिंग हो गया है, और शायद लोगों का कहना है कि डीमन के द्वारा किया गया है। तो ये दोबारा से लड़का जो होता है वो भाग जाता है, और वो मजाक बना रहा होता है। यार ये रियली बिलीव करता है कि यहाँ डीमन्स प्रेजेंट है, बच्चे जो होते हैं शहर में खेल रहे होते हैं। ये दौड़ता हुआ निकल रहा होता है, भागता हुआ जाता है। वहाँ देखने को मिलता है एक इंसान और होता है जो कि होता है ज़ेनिया हॉल के अंदर, और ये उन लोगों का कमांडर होता है। और ये कह रहा होता है तुम्हें पता भी है कितने लोग यहाँ पे मिसिंग है, हमें ऑर्डर मिला है कि उनको ढूंढने का और उसका कारण जानने का, इसीलिए लोग ग्रुप्स बनाओ और जाकर ढूंढो। और ये लड़का जो होता है ये टॉर्च करते हुए चीज को जा रहा होता है, दौड़ता हुआ जाता है, इधर उधर कूदता है। एक औरत जो होती है इसको आवाज देती है और कहती है कैच कर खाना, और खाना मुंह से कैच करता है और भागता हुआ जा रहा होता है। इसका नाम होता है ज़ियाओ। बच्चा जो होता है वो उसके साथ खेलने की बात कर रहा होता है, लेकिन ये कहता है अभी नहीं, अभी बाद में। और ये आगे भागता हुआ जा रहा होता है, दौड़ता दौड़ता तेज़ जाता है। वहाँ पे वो ऑर्डर दे देता है लोगों को कि भाई कौन कौन सा साइड जाकर तुम लोगों को चेक करना है। और अगेन लोग जो होते हैं वो इसका मजाक बना रहे होते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये हमेशा कहता है कि ये सारी चीज़ें डीमन के द्वारा की गई है, और इस दुनिया में डीमन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है लोगों के हिसाब से। उतने में पहुँचता है, ये जाता है और कहता है मुझे क्लू मिला है, मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। जो इनका टॉप इंसान होता है वो मना कर देता है और कह रहा होता है नहीं तुझे नहीं जाना है, तूने खाली हमारा मजाक बना रखा है, डीमन डीमन जैसी बातें करता है और फालतू तो बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। मिस्टर जियांग जो होते हैं वो जुआ जो होते हैं वो पीछे से आते हैं। अब जियांग जो होता है वो जाना चाहता है, उसको 2 लोगों की मदद चाहिए होती है अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन इसका जो सुपीरियर होता है वो उसको डांटता है और कहता है तू फालतू की बकवास कर रहा है दोबारा से, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इस तरह की चीजें बोलता है, और अब फालतू हरकतें कम कर, और अब टाइम आ चुका है सेक्रीफाइस जो है लिंगेंग किंग के लिए वो हम देने जा रहे हैं। सेलिब्रेशन जो है वो डिस्टर्ब्ड हुआ तो सारे के सारे लोग हमें ये ब्लेम करेंगे। फिर ये जाता है किसी घर पे, देखने को ये मिलता है वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जो होती है वो रो रही होती है, और पता चलता है कि जो बच्ची होती है वो मिसिंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनके बारे में जानती है, क्योंकि एक इसका दोस्त जो है वो इसके सामने से ही गायब हो गया था। तो ये प्राइवेट बातें करना चाहता है उससे प्राइवेटली अकेले में। फिर वो बच्ची के पास जाता है, उसके बगल में बैठता है और देखता है कि वो बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो घबराई सहमी रोई हुई बैठी रहती है। ये बैठता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ बिलीव करता हूँ कि डीमंस ने देखा है, जब मैं छोटा था तब तो मैंने भी डीमन को देखा था, लेकिन सारी दुनिया जो है मुझे लायर कहती है, इवन उसने मेरे को मारा भी था, ये देख निशान। फिर वो उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है मुझे समझ में आता है कि लोग तेरा बिलीव नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो बिलीव करें ना करें लेकिन हमें खुद में बिलीव होना चाहिए, हमने वो चीज देखी है। और वो लड़की रोने लगती है और कह रही होती है ज़ियाओ वो रियल है, मतो जो है वो मेरे को ढूंढ रहा था, वो एक येलो बटरफ्लाई को चेज करने लगा, चेज करता करता वो गली के अंदर गया, और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा अचानक पीछे से पानी जो था वो एक बड़ा सा अवतार लेता है और उस बच्चे को निकल लेता है, और मैं डरी हुई थी येलो बटरफ्लाई से वह वापस आई, और ये रोने लगती है। फिर उतनी देर में उसकी माँ यहाँ वापस आ जाती है, और इसका बाप जो होता है वो कहता है जब से ये वापस आई है डरी हुई है और अजीब अजीब बातें कर रही है। लड़के का कहना होता है भाई वो बच्चों का अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लोग निकल जाते हैं, और देखने को ये मिलता है अब लियांग किंग का जो है वो आने का टाइम हो चुका होता है, ये सिक्के फेंक रहे होते हैं ताकि इन लोगों की विशेष जो है वो पूरी हो जाए। फिर वहां पे देखने को मिलता है ये चेस का गेम हो रहा होता है, वहाँ पे लड़का बैठता है, सामने एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और ये कह रहा होता है कि ज़ियांग मैं तेरे को तेरे थ्रू मैं सारी चीजें देख सकता हूँ, तेरा कोई इंटेंशन नहीं है चेस खेलने का, तू आखिर यहाँ क्या आया है करने, यहाँ कोई तेरे को रास्ता नहीं मिलेगा अबाउट इस
इन्वेस्टिगेशन के, और अगेन बोल रहे होते हैं कि भाई उनके डीवन के बारे में यहाँ पता करने आया है, ये वो जगह नहीं और ना ही वक्त है। तो जियांग का कहना ये होता है कि लोग जो है वो स्ट्रेंज है, यहाँ खड़े होकर सारे लोग भगवान की बात ही कर रहे हैं, भगवान को प्रे कर रहे हैं, लेकिन डीमंस में नहीं मानते हैं। फिर वो जो औरत होती है वो कहती है तू बकवास मत कर, अगर इस बार जो ये हमारे हुयांस हैं जो सफर करेंगे अगर कोई डिजास्टर अगले साल, तो वो तेरी गलती होगी। तो ये सॉरी बोलता है सारी चीज को लिए। बूढ़ा जो होता है वो कहता है अगर मिशिंग चिल्ड्रन की बात करें, इस तरह कोई स्ट्रेंज चीज हमने अभी तक नोटिस नहीं किया है। फिर दूसरा बताता है कि भाई एक स्ट्रेंज पर्सन तो दिखा था, उसके पास एसएसटी होलिक मैन जैसा दिख रहा था और वर्शिप करता था गॉड को, और वो पूरे शहर में घूम रहा था इधर से उधर, ये भी शायद वो किडनैप कर रहा हो बच्चों को। और वो आदमी जो होता है वो अपनी स्टिक के साथ आगे बढ़ रहा होता है, ओडेड होता है, और जियांग क्या के उस पे जाती हैं और कह रहा होता है यार खूबसूरत तो है। अब ये चेकमेट करता है और देखने को ये मिलता है कि एक बच्चा और जो होता है वो मिस हो जाता है। जियांग जो होता है वो ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ता है, भागता है, लोग भी ढूंढ रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं। वो डेड मैन जो होता है वो वहां से निकल जाता है, फिर से वो गलियारे में घूम रहा होता है और ये इसका पीछा कर ही रहा होता है, लेकिन ये इसका ट्रेस रास्ते में खो लेता है। लेकिन उतने में फुटप्रिंट जो होते हैं बच्चे के देखने को मिलते हैं, और ये टेंपल के अंदर जाता है जो कि लिंगडेंग टेंपल होता है, वहां जाता है और उसको पता होता है कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई जो है अपने आप को मिस्ट्री शो कर रहा है। ये ट्रू कलर उसको देखना चाहता है, कुछ कुछ चीजें बोल रहा होता है, प्रे करते हुए लड़की की आवाज पीछे से आ रही होती है और ये उसको कैच कर लेता है। और पता चलता है वहां पे एक लड़की प्रेजेंट है जो कि काफी ज्यादा कम उम्र की है। फिर जैसे कैच करता है उसको लात मारती है और ये कहती है कि वो एक लॉस्ट बच्चा और एक बैड गाय जो है वो नीचे प्रेजेंट है, तो मेरा साथ चल। फिर वो एक अंडरग्राउंड रास्ता खोलती है, अंडरग्राउंड रास्ता जैसे ही खुलता है ये लोग वहां जा रहे होते हैं, और देखने को ये मिलता है वो लड़की होती है उसका पीछा करते हुए जा रहा होता है उसके पीछे पीछे, और ये पूछता है कि लिटिल आखिर तू है कौन। तो ये बताती है कि मेरा नाम है लिंगन किंग, मैं वो हूँ जो प्रोटेक्ट करती है सिटी को, और ये विश्वास कर नहीं करता है इस पे। अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं, देखने को मिलता है कुछ डूबा होता है पानी के अंदर और उसके ऊपर बंधा होता है वो बच्चा, और जैसे ही देखने को मिलता है वो होता है एक एंशियंट टर्टल जो की साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, और ये डीमन की तरह होता है। और जियांग जो होता है वो कांपता भी है, खुश भी होता है, क्योंकि जो हमेशा से ही क्लेम करता आया था कि डीमंस इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, फाइनली वो एक डीमन से मिल जाता है। और इसी सब हो जाता है पहला एपिसोड। तो बात की जाए भाई कैसा था ये एपिसोड, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, काफी ज्यादा बढ़िया था। होपफुली देखते हैं आगे कैसा टर्न आउट होता है, अगर आगे और मजा आया तो भाई कंटिन्यू जरूर करेंगे इसे, स्पेशली आप लोगों को मजा आया तो कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।